इनके एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। हम दिखाते हैं सरकारी विभाग की लेटेस्ट खबरें व आदेश। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकॉन को कर ले सेलेक्ट ताकि सबसे पहले हमारी जानकारी का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच। मध्य प्रदेश कर्मचारियों के लिए आया बड़ा अपडेट, विस्तार से जाने हर सुविधा ले रहे सरकारी। मध्य प्रदेश कर्मचारियों के लिए आया बड़ा अपडेट, विस्तार से जाने हर सुविधा ले रहे सरकारी। मंत्रालय में बेलगाम हुए कर्मचारी। जिलों में कर्मचारियों ने कहा कि मंत्रालय कर्मचारियों के तबादलों की नीति तत्काल बने। भोपाल, एक बार फिर मंत्रालय कर्मचारियों की कार्यशैली पर जिला और ब्लॉक स्तर पर पदस्थ कर्मचारियों ने सवाल खड़े कर दिए हैं। आरोप लगाया गया है कि मंत्रालय कर्मचारी को हर सुविधा दी जा रही है, फिर भी यह ईमानदारी से अपना फर्ज नहीं निभा रहे हैं। मंत्रालय में जो कर्मचारी नेता है वह सबसे अधिक बदनामी का कारण बन रहे हैं। तबादला नीति बनाने मुख्यमंत्री से करेंगे मुलाकात प्रमोद तिवारी। न वरिष्ठ कर्मचारी नेता प्रमोद तिवारी का कहना है कि चुनाव होते ही मुख्यमंत्री मोहन यादव से मुलाकात की जाएगी। मांग उठाई जाएगी कि मंत्रालय कर्मचारी का जिला और ब्लॉक स्तर पर तबादला करने की नीति बनाई जाए, जबकि जिला एवं विकासखंडों से कर्मचारियों को स्थानांतरित कर मंत्रालय में लाया जाए। मंत्रालय में पदस्थ कर्मचारी अहंकार से सराबोर है। प्रमोद के अनुसार यहाँ का सबसे अधिक माहौल कर्मचारी नेताओं ने बिगाड़ा है। नेता सिर्फ अपनी स्वार्थ सिद्धि में दिन रात काम कर रहे हैं, जिसका विपरीत प्रभाव कर्मचारी और काम पर पड़ रहा है। न कर्मचारी नेताओं ने पूरी व्यवस्था कर डाली चौपट। सोनी वरिष्ठ कर्मचारी नेता मुरारीलाल सोनी का कहना है कि सबसे पहले मंत्रालय में कर्मचारी नेताओं के तबादले करना चाहिए। पूरी व्यवस्था इन्हीं नेताओं के कारण बिगड़ी हुई है। नेताओं के स्वार्थ के कारण मंत्रालय में दो दो गुट हो गए हैं। इनकी करतूतों से कर्मचारियों को भी मजबूरी में गुटबाजी करनी पड़ रही है। यही वजह है कि काम की व्यवस्थाएं बिगड़ रही हैं। मुरारी लाल सोनी का कहना है कि मंत्रालय में पिछले 4 साल से प्रमुख कर्मचारी नेता आपस में लड़ रहे हैं। मामला थाना की देहरी तक पहुंच गया है। इससे मंत्रालय की छवि पूरी तरह बर्बाद हो रही है। मुरारी लाल सोनी कहते हैं कि जब तक इन नेताओं को नहीं हटाया जाएगा, तब तक व्यवस्थाएं निरंतर चौपट होती चली जाएगी। मंत्रालय कर्मचारियों के तबादला करने कम को लिखेंगे चिट्ठी अहिरवार। मध्य प्रदेश बेरोजगार संघ के सचिव राजेश अहिरवार का कहना है कि मंत्रालय कर्मचारियों की स्थानांतरण नीति बनाने के लिए मुख्यमंत्री को शीघ्र चिट्ठी लिखी जाएगी। राजेश अहिरवार कहते हैं कि अभी मंत्रालय कर्मचारियों के तबादले सिर्फ बल्लभ भवन में ही एक से दूसरे विभाग में होते हैं, जबकि इनको संभाग, जिला और ब्लॉक स्तर तक भेजने की जरूरत है। मंत्रालय नेताओं के कारण कर्मचारियों के बीच में ही विवाद पनप रहा है। विवाद तभी समाप्त होंगे जब मंत्रालय कर्मचारियों का जिलों में भेजने के लिए तबादला सिस्टम बन जाएगा। मंत्रालय कर्मचारी कौन सा अनोखा काम करते हैं शर्मा। मध्य प्रदेश शिक्षक संघ के पूर्व महासचिव राजीव शर्मा का कहना है कि मंत्रालय के कर्मचारी कौन सा अनोखा काम करते हैं। राजीव शर्मा का कहना है कि वल्लभ भवन से पूरे प्रदेश की प्रशासनिक व्यवस्था को नया संदेश जाता है, लेकिन अब हालात यह है कि मंत्रालय कर्मचारियों छवि निरंतर गिर रही है। इसका सबसे बड़ा कारण मंत्रालय कर्मचारी संघ में आपसी विवाद है। मुख्य सचिव को इस गंभीर समस्या पर संज्ञान लेना चाहिए और झगड़ते कर्मचारी नेताओं की गतिविधियों पर लगाम लगाना चाहिए।